तो भाई व्हाइट बेड है एक लेडी किलर जो कि अखियों से गोली मार के लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेता है और यही टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो हे एवरीवन, स्वागत है आपका ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम व्हाइट बेड की लव लाइफ, व्हाइट बेड का इस हॉट लेडी के साथ कनेक्शन और क्या ये प्लस ये मिलकर ये बना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, दिस वीडियो कंटेन स्पॉयलर्स। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो दूसरों की लव लाइफ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड ही रहते हो। सो अब बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो व्हाइट बेड की लव लाइफ के बारे में जानने के लिए हमें जाना होगा टाइम में थोड़ा पीछे। तो ये कहानी है रॉक्स वैलेट के टाइम की, जब रॉक्स वैलेट क्रू डिसबैंड हो गया था। तो भाई व्हाइट बेड ने अपना खुद का पायलट क्रू बनाने का सोचा और उसने ऐसा किया भी। व्हाइट बेड का पायलट लाइफ में तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर व्हाइट बेड को एक फैमिली की नीड थी और वो अपने क्रू मेंबर्स को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता था, जिसकी वजह से उसके क्रू मेंबर्स उसे पॉप्स कहकर बुलाते थे। पर स्टोरी में कुछ टाइम पहले ही दो नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका नाम मिस बाकिन और एडवर्ड वीविल है, जो कि अपने आप को व्हाइट बेड का लवर और उसका बेटा कहलाते हैं। और चैप्टर 1072 में हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आती है कि जो स्टसी है वो असल में मिस बाकिन का क्लोन है, और जो मिस बाकिन है वो रॉक्स वैलेट का एक मेंबर हुआ करती थी। और भाई लोग, अगर स्टसी मिस बाकिन का क्लोन है तो इसका मतलब तो ये है कि मिस बाकिन जवानी के टाइम में स्टसी की तरह दिखती थी, और आई मीन अगर ऐसा है तो व्हाइट बेड की चॉइस खराब नहीं है। तो भाई क्योंकि व्हाइट बेड और मिस बाकिन एक दूसरे को काफी टाइम से जानते थे, तो ये पॉसिबल है कि वो दोनों लवर्स हों। पर अगर ऐसा है तो आखिर मिस बाकिन व्हाइट बेड के साथ सेल क्यों नहीं करती थी, और अगर सच में वीविल व्हाइट बेड का बेटा है तो आखिर व्हाइट बेड अपने ही बेटे को अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि हमने स्टोरी में देखा है कि कैसे उसने अपने बस नाम के बेटे के लिए अपनी जान गंवा दी थी और उसे फैमिली क्रिएट करने की कितनी चाह थी। तो चलो थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लेते कि व्हाइट बेड और मिस बाकिन लवर्स थे, पर क्या वीविल सच में व्हाइट बेड का बेटा है, क्योंकि अपीयरेंस में तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वीविल और व्हाइट बेड सिमिलर हो। पर जैसा कि कहा जाता है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो इस कहानी का भी एक और पहलू है जो कि है वीविल की स्ट्रेंथ। क्योंकि हमने देखा है कि वीविल इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने व्हाइट बेड के 16 एलाइट क्रूज को सिंगल हैंडेडली हरा दिया था। आई मीन यार देखो, उसे किसी दूसरे पर्सन की हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने अकेले ही सबको पेल दिया। और हमें पता है कि वीविल ऑर्नामेंट और ऑब्जर्वेशन हॉकी भी यूज कर सकता है, और हमने ये भी सुना है कि कैसे वीविल जवान व्हाइट बेड के जैसा है स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में। पर क्या बस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम उसे व्हाइट बेड का बेटा कह सकते हैं? तो ये सब बातों को कवर करने के लिए हमारे पास आता है वन पीस का चैप्टर 1073, जहां पे हम मिस बाकिन को मार्को के साथ देखते हैं, और वो मार्को से कहती है, अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है कि वीविल व्हाइट बेड का बेटा है तो तुम वेगापंक से पूछ सकते हो। पर यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे ब्लड या लीनियज फैक्टर की बात की गई है, ना कि बायोलॉजिकली रिलेटेड होने की। तो क्या यहाँ पे ओडा हमें कोई हिंट देना चाह रहा है? तो भाई मेरे अकॉर्डिंग अगर मिस बाकिन सच में व्हाइट बेड की लवर थी और मे बी उसका बेटा वीविल था, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि व्हाइट बेड अपने ही बेटे को अपनाने से मना कर दे। और अगर वीविल सच में व्हाइट बेड से रिलेटेड था तो आखिर मिस बाकिन ने ये बात व्हाइट बेड के जिंदा रहने के टाइम पे क्यों नहीं करी? अगर उसे व्हाइट बेड का खजाना ही चाहिए था तो अगर वो अपने बेटे को लेके व्हाइट बेड के पास जाती तो मुझे नहीं लगता कि व्हाइट बेड उसे मना कर देता। और में ध्यान देने वाली बात तो ये है कि गॉड वैली इंसिडेंट 38 इयर्स पहले हुआ था, और वीविल की एज 35 इयर्स है। इसका मतलब तो ये है कि मिस बाकिन ने व्हाइट बेड के क्रू में शामिल होके 2 से 3 साल तक ट्रेवल किया होगा, तभी ना जाके वीविल पैदा हुआ होगा। और चलो मान लो कि व्हाइट बेड ने मिस बाकिन के साथ क्रिकेट खेल भी लिया होगा और एक बच्चा पैदा हो भी गया, तो क्या व्हाइट बेड अपने ही बेटे और लवर को शिप से भगा देगा? पर हम ये भी जानते हैं कि व्हाइट बेड के सबसे पुराने मेंबर्स ने ये बात डिक्लाइन कर दी थी कि मिस बाकिन व्हाइट बेड की लवर है और वीविल व्हाइट बेड का बेटा है। तो भाई यहाँ से आती है मेरी थ्योरी कि चलो मान लो कि उस टाइम तक व्हाइट बेड ने अपना क्रू एस्टेब्लिश नहीं किया था और वो बस मिस बाकिन के साथ ट्रेवल करता था। तो आप सोच रहे होगे कि आखिर क्यों व्हाइट बेड ने मिस बाकिन और अपने बच्चे को नहीं अपनाया होगा? तो इसका पॉसिबल आंसर ये हो सकता है कि शायद व्हाइट बेड और मिस बाकिन का एक बच्चा हुआ होगा, पर उसकी बचपन में ही मौत हो गई होगी, जिसके बाद मिस बाकिन सहन नहीं कर पाई होगी और व्हाइट बेड को छोड़ के चली गई होगी, और इसी वजह से व्हाइट बेड अपने क्रू में एक फैमिली की तलाश करता रहता है। पर अगर सच में ऐसा था तो आखिर वीविल कौन है? तो मुझे लगता है कि मे बी वीविल वही बेटा है जो सालों पहले मर गया था और मिस बाकिन उसे अपने साथ लेके चले गई थी। हमें पता है कि मिस बाकिन एक साइंटिस्ट हुआ करती थी और उसने मैट के साथ भी काम किया है। हालांकि मिस बाकिन को हम एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड साइंटिस्ट और मैट्स के फ्रीलोडर के रूप में दिखाया गया है, पर हम ये भी जानते हैं कि मैट्स के सारे साइंटिस्ट लीनेज फैक्टर, ह्यूमन बॉडी और न्यू टेक्नोलॉजी पे काम किया करते थे। तो मे बी उस टाइम पे मिस बाकिन ने अपने बच्चे को वापस जिंदा करने के लिए उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाए हों, और क्योंकि उस बच्चे के अंदर व्हाइट बेड का लीनेज फैक्टर था तो उस बच्चे के ऊपर या एक न्यू बॉडी को लेके आपस में फ्यूज किया गया हो। क्योंकि हम टाइम में वीविल की बॉडी में बिल्कुल फ्रैंकी जैसे स्टिचेस के निशान देखते हैं, जैसे कि वो भी आधा रोबोट हो या फिर उसके ऊपर कोई ऑपरेशन किया गया हो। और हम इस बात को नहीं ठुकरा सकते कि वीविल के अंदर जवानी के व्हाइट बेड जितनी स्ट्रेंथ भी है,
और हमें पता है कि काफी टाइम से क्लोन की स्टोरी इंट्रोड्यूस की गई है वन पीस में, और उसी टाइम पे हमें विविल को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसी टाइम से विविल पे काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और जो मिस बाकिन की बात थी कि वेगापंक को पता है कि विविल व्हाइट ब्लेड से रिलेटेड है, अगर हम उस पर ध्यान दें तो ये बात काफी ज्यादा सेंस करती है कि वेगापंक को पता होगा, क्योंकि उसने ही विविल को वापस जिंदा करने में या फिर एक नया क्लोन बनाने में उसकी मदद करी है। पर हम ये भी जानते हैं कि स्टेसी असल में मैट्स का फर्स्ट क्लोन प्रोजेक्ट थी, क्योंकि हम इस बाकिन अपने बेटे को छोड़ के पहले अपना क्लोन बनाना चाहेगी। तो अगर मैं इस बात पे ज्यादा फोकस करूं तो मुझे लगता है कि एक्चुअली विविल व्हाइट ब्लेड के लीनेज फैक्टर से बना एक फेल्ड क्लोन है, और हम जानते हैं कि वेगापंक कितना बड़ा परफेक्शनिस्ट है, तो वो कभी भी एक फेल्ड क्लोन को फर्स्ट प्रोजेक्ट का नाम नहीं देता। तो भाई इस पूरी वीडियो का दो कंक्लूजन हमारे सामने निकल के आते हैं, या तो विविल व्हाइट ब्लेड का मरा हुआ सन है जिसे किसी नई बॉडी के साथ जोड़ के बनाया गया है, या फिर विविल व्हाइट ब्लेड का एक फेल्ड क्लोन है। वैसे तो दोनों बातें सुनने में काफी सिमिलर लगती हैं, पर दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि मिस बाकिन है। पहले कंक्लूजन में हमें ये पता चलता है कि मिस बाकिन सच में व्हाइट ब्लेड की लवर हुआ करती थी, और फिर चाहे उसका बेटा एक्सपेरिमेंट करके कैसा भी दिख रहा हो, इसलिए उसने अपने बेटे को पाला पोसा और इतना बड़ा करा है अभी तक। पर दूसरे कंक्लूजन से हमें ये पता लग रहा है कि मिस बाकिन बस विविल का यूज कर रही है ताकि वो व्हाइट ब्लेड का खजाना ले सके, और उसने व्हाइट ब्लेड के जिंदा रहने पे उसे इसलिए अप्रोच नहीं किया क्योंकि व्हाइट ब्लेड और उसका कोई रिलेशन नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है इन दोनों में से सबसे पॉसिबल सिनेरियो कौन सा हो सकता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चाहे कुछ भी हो यार, मुझे बस इतना पता है कि अगर मिस बकिंघम शशि जितनी हॉट है और व्हाइट ब्लेड ने उसके साथ क्रिकेट खेलने का मौका गवा दिया हो, तो तब भाई मैं व्हाइट ब्लेड को कभी माफ नहीं करने वाला। आई मीन लगता है मुझे ही टाइम में पीछे जाके व्हाइट ब्लेड बनना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।